फैंटास्टिक्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बहुत 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 अच्छी हूँ गाइस। एंड एज यू गाइस कैन सी बाय द टाइटल ऑफ टुडेज वीडियो, वी आर गोइंग टू डू अ स्लाइम क्यू एंड ए। सो बेसिकली मैंने आपको अपने कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था कि आप लोगों के स्लाइम रिलेटेड क्या क्या क्वेरीज हैं और क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो आप लोग मुझसे पूछना चाहते हैं। And you guys literally nailed it and you guys have given me more than 400 questions to literally read and analyze कि आप लोगों को किस चीजों में एक्चुअली में डाउट है रिलेटेड टू स्लाइम एंड किस चीज में आप लोग ज्यादा कंफ्यूज होते हैं स्लाइम बनाने में। सो फैंटास्टिक्स, मैं आज जो आप लोगों ने मुझे क्वेश्चंस दिए तो उनको मैं जनरलाइज करके लाइक जो भी टाइप के क्वेश्चंस सेम हैं उनका मैं एक ही क्वेश्चन बना के आप लोगों से पूछने वाली हूँ। सो या आई होप ऑल ऑफ योर गाइस क्वेश्चंस विल बी रिजॉल्व्ड एंड विल आंसर्ड इन टुडेज वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम फैशन अरीना एंड द क्वेश्चन इज व्हेन आई मेक जिगली स्लाइम and after one day the slime becomes thick and why is that? So as I have told you guys like jiggly slimes mein kya hota hai usually jiggly slime banane mein hum log bahut sara water add karte hain and aap logon ko jiggly slime ke liye alag se activator banana padta hai. So the activator should be less concentrated, like usme zyada borax nahi hona chahiye. And सो फैंटास्टिक्स, होता क्या है जब हम लोग वो स्लाइम के साथ एक दो दिन खेलते हैं तो इन द ऑर्डर जब हम लोग उससे खेलते रहते हैं तो इवेपोरेशन होता है क्योंकि उस स्लाइम में वाटर रहता है बहुत सारा, तो द वाटर गेट्स इवेपोरेटेड और जो बोरोक्स कंटेंट होता है स्लाइम में वो बहुत ज्यादा हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारी स्लाइम थिक होना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि जब हम लोग फर्स्ट जैसे हम लोग स्लाइम बनाते हैं उसमें काफी ज्यादा वाटर होता है तो वो काफी ज्यादा जिगली हो जाती है एंड आफ्टर सम टाइम बिकॉज ऑफ द प्लेइंग पानी बहुत सारा इवेपोरेट हो जाता है। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, आई होप मोस्ट ऑफ यू गाइज नो दैट। एंड बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन द स्लाइम गेट्स अ लिटिल बिट थिक आफ्टर सम टाइम, बट अगर हमें इसको प्रिवेंट करना है और हमारी स्लाइम को थोड़ा ज्यादा थिक रखना है फॉर सम टाइम, कर सकते हैं कि हम लोग अपना जो एक्टिवेटर है उसे डाइल्यूट कर सकते हैं। जैसे कि ये परफेक्ट एक्टिवेटर है फॉर अ जिगली स्लाइम, आपको हाफ टी स्पून बोरोक्स एक्टिवेटर लेना है, फुल कप ऑफ वाटर और आप उसको मिक्स करके एक्टिवेटर बनाए, देन एंड बोथ द वॉटर्स क्वान्टिटी विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू गेट इवेपोरेटेड, तो हमारी स्लाइम के साथ हमारा ज्यादा प्लेइंग टाइम रहेगा। यही मेन होता है रीजन कि अगर आपकी स्लाइम लाइक जब हम लोग जिस दिन बनाते हैं स्लाइम क्योंकि उसमें ज्यादा वाटर होता है तो अगर हमारा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एक्टिवेटर ज्यादा भी हो फिर भी क्योंकि उसमें बहुत सारा वाटर होता है वो थोड़ा बहुत जिगली दिखता है, बट आफ्टर सम टाइम खेलते खेलते इवेपोरेशन हो जाता है तो स्लाइम गेट्स थिक, दैट्स व्हाई इट डजंट लुक लाइक जिगली स्लाइम एनी मोर। So that's the main reason behind it. I know it is a very scientific reason, but slime is a very scientific thing. और इसको बनाने में बहुत काम लगता है and like वो इतना easy नहीं है बनाना and for to master slime technique it's a very big thing. I hope that is a very satisfying answer. So let's go to our second question is from Shiv Organic Farming. So the question is why the slime becomes hard and how to prevent this and please tell Fevicol harden up, why Fevicol harden up faster than Fevigum. So now इसमें बहुत सारे questions हैं। So हमारी slime hard क्यों हो जाती है, like अगर हम लोग slime बनाते वक्त उसमें water add करते हैं या फिर थोड़ा बहुत लोशन ऐड करते हैं तो हमारी स्लाइम हार्ड नहीं होती, लेकिन अगर हम लोग पूरी स्लाइम पूरे ग्लू से बनाते हैं और उसमें बिल्कुल भी वाटर ऐड नहीं करते हैं तो हमारी स्लाइम थिक हो जाती है, लाइक बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है क्योंकि उसमें और कुछ और नहीं रहता जो हमारी स्लाइम को बाइंड करता रहता है फ्लेक्सिबल होने के लिए, लाइक लोशन और वाटर। एंड वन ऑफ द बिग रीजन इज कि आप अपनी स्लाइम को अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में स्टोर नहीं करके रखते, लाइक ग्लू गेट्स हार्ड सुपर फास्ट तो हम लोग को कुछ चाहिए रहता है कि लाइक हम लोग उसको हवा ना लगने दें एंड हम लोगों को उसको हमेशा प्रोटेक्ट करना पड़ता है, तो वी शुड ऑलवेज हैव एन एयर टाइट कंटेनर। एंड द नेक्स्ट थिंग इज फेविकॉल जो होता है वो बहुत थिक होता है, फेविगम बहुत ही वाटर डाउन गम होता है जिसमें ज्यादा वाटर परसेंटेज रहता है तो हमारा फेविगम जल्दी हार्ड नहीं होता, लेकिन जो फेविकॉल होता है वो काफी थिक जो ग्लू होता है
काफी थिक होता है और इसमें वाटर परसेंटेज बहुत कम होता है. तो लाइक यू नो, अगर हम लोग इन दोनों को कंपेयर करें तो उसमें डेफिनेटली फेविकॉल ज्यादा जल्दी हार्ड होता है. बट टू प्रिवेंट दैट यू कैन ऑलवेज एड सम लोशन और सम ग्लिसरीन, समथिंग दैट कैन डीएक्टिवेट द स्लाइम एंड इवन लेमन जूस, बट दैट विल गो बैड आफ्टर सम टाइम. सो आई सजेस्ट कि आप ग्लिसरीन या फिर लोशन में से ही कुछ चूज करें. सो नाउ लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम सक्शन द गेमर. So our next question is, when I make slime, it start leaving water and it becomes hard, then what to do? So now I will show you guys an example of that slime. So as you guys can see, I have this slime which is a very old slime, and as you guys can see, it leaves water as well, and this is super super hard as you guys can see. If your slime is not this hard, you can just put it in the microwave and then your slime will be like, you need to throw this water away and put just this in the microwave in a container obviously, and after that I hope your slime will be smoother. But agar aapki slime itni hard hai and puri tarah se sook chuki hai, then it's time to throw it away. हम लोग इसको इधर से नहीं बचा सकते. Like अगर आपकी slime थोड़ी बहुत भी अगर soft है तो आप उसमें lotion add कर सकते हैं या फिर आप microwave में 10 second रख सकते हैं तो वो ज्यादा soft हो जाएगी. Like at this stage it is very very bad and you have to throw it out. So our next question is from Alina and the question is, Didi, my question is how to fix hard slimes. So I just told you guys, like अगर आपकी slime थोड़ी hard है, like after activating, अगर आपका activator बहुत strong है और आपकी slime बहुत ज्यादा tight बन चुकी है, तो you can save your slime at that stage. You can add a little bit of lotion and then knead it. So आपकी slime बहुत बहुत soft हो जाएगी. Activation के बाद वो बहुत ज्यादा hard हो गई है तो आप उसको for 10 to 20 seconds आप उसको microwave में रख सकते हैं. That will hopefully repair your slime. So yeah, now let's go to the next question. So our next question is from Deepa Jain and the question is, my question is that I had tried to activate my slime with different with many type of detergent but it doesn't activate. Like I really don't know which activators like which detergents you used here, but I have a full length video, like two videos to be honest on that topic, and I will give you a link over here. तो मैंने उसमें हिंदी में अच्छे से समझाया हुआ है कि आपको कौन से activators use करने हैं और कौन से नहीं, and I have tested both Fevigum and Fevicol slimes. So if you guys want to check out, they are over here on the I button. So yeah, let's go to the next, which is from Dhiraj, and the question is, when I make thick and glossy slime, I wait until tomorrow. Okay, turns thick but not glossy, it turns oily, and how to fix that, please tell. So I really don't know how you made that thick and glossy slime. Add water in your glue or not, like that is a very big no-no. If you are making a thick slime, then you don't want to add any water to your glue, because that will literally change all of the composition. Kyunki to make your slime glossy you need to add water, and glue is a very thick paste, and the glue and the oil will mix together if there is no water. To agar aapne isme water add kiya hai apne glue mein and then you add oil, then it will not form a very good slime. Actually it will not even form a slime, it will be super gross, but yeah. So अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो आपकी स्लाइम नहीं बनेगी. डोंट इवन ट्राई टू मेक इट अ स्लाइम, इट विल बी अ वेरी हॉट मेस. यू वॉन्ट टू चेक आउट माई ग्लॉसी एंड थिक स्लाइम रेसिपी विथ प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन इंडियन इंग्रीडियंट्स, देन यू कैन जस्ट चेक आउट ऑन आई बटन. आई हैव ऑल द वीडियोज लिंक देयर, एंड या दैट्स ऑल. सो लेट्स गो टू, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम बिंदु सैनी एंड द क्वेश्चन इज, दी वाई डोंट यू मेक स्लाइम विथ डिटर्जेंट एक्टिवेटर और वाई डोंट यू यूज एरियल डिटर्जेंट एक्टिवेटर. सो जस्ट लाइक आई हैव सेड बिफोर, लाइक अलग अलग ग्लूज के साथ अलग अलग डिटर्जेंट्स काम करते हैं, एंड इट इज अ वेरी बिग हेड एक फॉर एनी वन टू चूज, एंड इट इज लिटरली सुपर सुपर कंफ्यूजिंग, एंड समटाइम्स द ग्लू इवन टर्न्स इन टू वॉटर विच इज वेरी वेस्टफुल. सो आई स्टिक टू द एक्टिवेटर दैट ऑलवेज वर्क,
एंड जो मैंने अभी बनाया था फैंटास्टिक कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन दैट वर्क्स विथ एवरी काइंड ऑफ स्लाइम रेसिपीज, तो आप वो भी देख सकते हैं. एंड या सो लाइक डिफरेंट स्लाइम्स को डिफरेंट एक्टिवेटर्स लगते हैं. लाइक फ्लफी स्लाइम को थोड़ा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एक्टिवेटर लगता है, जिगली स्लाइम को थोड़ा लेस कॉन्सेंट्रेटेड एक्टिवेटर लगता है. सो एक ही डिटर्जेंट से हम लोग वो अलग अलग काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रेशन नहीं बना सकते, तो इट विल बी अ वेरी बिग हेडेक. सो दैट्स वाई आई अवॉइड ऑल ऑफ दैट. एंड या आई होप दैट आंसर्ड योर क्वेश्चन. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फ्रॉम रूपा बायपल्ली. And the question is, why are you so good at slime and did you take any coaching? So, no, I really didn't take any kind of coaching. When I start making slime, like probably in 2015, I started making slime and then I used to fail like anything. Like I used to try and I used to make slime with literally anything I can find, like toothpaste or shampoo, like you guys. And I used to always fail and that used to discourage me so much. Like I thought like India mein koi slime bana hi nahi sakta, it's all waste, hum log sirf America, like only American shampoos or detergent work karte hain slime banane mein. But guys, that is all fake as well. All of those are camera tricks and they just make slime with glue and borax. That is the original way to make slime. Or aap without like thode se hain like boric acid and all of that, no glue, no borax, jo maine aapko apne channel pe dikhaya hai. But other than those, all of those like shampoo, Colgate kind of recipes are all lies, and please don't go there. You will only waste your products or only waste your money over there. So don't try this. Debut. Why I am so good in this, like I have been making slime from 2015 for probably 5 years. Aur ye channel maine banaya tha 2017 mein, to shayad 18 19 20, so almost 3-4 saal ho rahe hain banate hue mujhe slime. So I am a little bit of an expert. So now let's go to the last question, which is from Garima. And the question is, Dee, my question is, do your family have interest in slime, and how you can love us so much? And I am very happy I got a channel with which is real, and I am very happy. Love you. So that's a really sweet question. Thank you so much for asking that. And they were like, what is this? Like, मैं जब वो पहले बना रही थी, when I used to make it with Colgate or shampoos, when I used to waste my all the house supplies, my mom used to like scold me a little bit. But now she doesn't. And जब मैंने try करके थोड़े से जो real foreign YouTubers है, जैसे Karina Gasia और Talisa Tosell, मैंने जब उनके videos देखे, तो then I understand what is the real formula to make slime is. And JSH DIY, I am very very sorry. Some of your recipes might work for some people, but for me it doesn't. Like really really doesn't. Think ki like mere paas wo shampoos nahi hai, ya fir jo America ke shampoos hai wo mere paas nahi hai, isliye shayad nahi ban raha hoga. But that's not true. And all of that is a very fake thing. Like some of those like shampoo slimes like kind of worked probably, but for me it doesn't, and it is a very big fail. And when I always say like I love you guys so much, I really mean it. Like you guys are the ones who changed my life, and you guys are the ones jo mujhe support kar rahe hain and abhi tak support kar rahe hain. Like some of my subscribers are from जब मेरे पास 1K थे, लाइक 100 सब्सक्राइबर्स थे, तो थोड़े लोगों ने मुझे तब से लेके अब तक फॉलो किया है, जो मेरे साथ एक फैमिली की तरह है. एंड यू गाइज आर लिटरली सो लिटरली सुपर लाइक कीमती फॉर मी. लाइक आई जस्ट कैन नॉट ट्रेड यू गाइज फॉर समथिंग एल्स. लाइक यू गाइज आर लिटरली सुपर नाइस पीपल. एंड यू गाइज हैव सपोर्टेड मी अंटिल हियर, अंटिल वी हैव रीच लाइक 31K सब्सक्राइबर्स. इफ यू गाइज आर नॉट हियर विथ मी, आई
आई विल नॉट हैव बीन इवन गॉट इन टू लाइक 5 or 6K सब्सक्राइबर्स, बट बिकॉज ऑफ योर लव एंड सपोर्ट एंड आई रियली वॉन्टेड टू शेयर सम रियल कॉन्टेंट विथ यू गाइज, ताकि आप लोग को वो सब ना झेलना पड़े जो मैंने झेला और वो सब चीजें ना वेस्ट करनी पड़े. ऑन दिस पॉजिटिव नोट लेट्स एंड दिस वीडियो राइट हियर. सो आई रियली होप लाइक आप लोगों के क्वेश्चंस आंसर हुए होंगे. एंड गाइज लेट मी नो, लाइक मोस्ट ऑफ यू गाइज आर टेलिंग मी टू मेक बिगर वीडियोज, लाइक लॉन्गर वीडियोज, क्योंकि मैं अपने रेसिपीज में 2 or 3 ही, लाइक फैंटास्टिक ट्राइज इट और नो ग्लू नो बोरॉक्स में सिर्फ 2 से 3 रेसिपीज ट्राई कर पाती हूँ. लाइक मुझे लगता है कि लाइक 10 मिनट से ज्यादा वीडियो आप लोग देख नहीं पाओगे, आप बोर हो जाओगे, लेकिन सम ऑफ यू गाइज आर टेलिंग मी इन द कॉमेंट्स दैट यू वॉन्ट अ लॉन्गर वीडियो. सो या लेट मी नो हाउ लॉन्ग ऑफ अ वीडियो यू गाइज नीड. I will give a poll over here on I button. So you guys have 3 options like 15 minutes long, 20 minutes long or 30 minutes long. How long of a video you guys need? Like if 10 minutes long, then you can always vote for 10 minutes as well. So yeah guys, that is a help I need from you guys. So you guys can vote over there and I will see what is your opinion. So yeah guys, that's all for today's video. Thank you so 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 much for watching. If you guys like this video, then it will mean the world to me if you just click that like button. It will